हाय व्यूवर्स, मैं निखा त्रियाज और आप देख रहे हैं दी पॉलिसी टाइम्स। आज हम बात करेंगे NBFC यानी नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी के बारे में, जिसे नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है और इसे हिंदी में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहा जाता है। तो जैसे कि इन दिनों NBFC संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसमें ना सिर्फ छोटी कंपनीज बल्कि बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन दिनों संकट के दौर से गुजर रही है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या संकट है जिसकी वजह से NBFC संकट के दौर से गुजर रहा है, और इसके साथ ही जैसे कि आम जनता, जो आम लोग हैं, उनको NBFC के बारे में जानकारी कम होती है, लिटरेसी कम है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सर से। तो इसी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। तो इसके बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ और हमारे व्यूवर्स को बताएं कि NBFC क्या होती है सरल भाषा में। देखिए, आप जैसे कि बैंक को जानते हैं कि हम लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं, वी डिपॉजिट अवर मनी इन टू द बैंक्स एंड देन बैंक लेंड दैट मनी टू द पब्लिक। मान लीजिए आपने पंजाब नेशनल बैंक में या किसी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में 2 लाख रुपए जमा करे, बैंक को उस पर पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। बैंक क्या करेगा, उस पैसे को जिस इंटरेस्ट रेट पे आपने उसमें जमा किया उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक को लोन पे देता है। लेकिन क्योंकि ये पैसा पब्लिक का है, तो ये सारी की सारी बैंकें RBI के कंट्रोल में आते हैं। RBI हैज़ मेड स्ट्रिक्ट नॉर्म्स वेयर बाय द कॉमन पब्लिक, रिटेल पब्लिक हु हैज डिपॉजिटेड देयर मनी विद द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक्स, दैट शुड नॉट बी इरोडेड। उनका पैसा खराब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, इसलिए RBI ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। इसका मतलब बैंक ऐसे किसी व्यक्ति को लोन नहीं दे सकते जो व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी, आपने सुना होगा सब प्राइम क्राइसिस, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सब प्राइम है, प्राइम नहीं है, वो उसको लोन नहीं देते। अब यहाँ पे बैंकों ने और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक बाया मीडिया निकाला कि ठीक है, बैंक्स कैन नॉट फाइनेंस, आई विल क्रिएट अनदर कंपनी विच इज़ डूइंग द सिमिलर जॉब विच द बैंक इज डूइंग बट नॉट कॉल्ड एज अ बैंक, सो दे आर कवर्ड बाई द कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया एंड अर्लियर इट वॉज 1956। नाउ अंडर दैट यू कैन क्रिएट अ बैंक, क्रिएट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ नोन एज NBFC, जिसका मेन काम ही है लोगों को पैसे उधार देना। ना दीज बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट आप क्योंकि वहाँ पे आप करंट अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, तो हाउ विल दे विल अर्न द मनी, व्हाट दे डू इट, दे गेट द मनी फ्रॉम यू बाय इशूइंग द कमर्शियल पेपर्स, लोन पेपर इशू करके, बॉन्ड इशू करके, या आपसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लेते एज अ लोन फॉर लॉन्ग टर्म विच नीड टू बी मोर देन 1 ईयर एंड सो ऑन। एंड उसके बाद क्या है कि वो उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा है तो वो आपको पेमेंट करते रहते हैं और उनके ऊपर, और इन बैंकों के पास रिस्क क्यों बढ़ रहा है, इनके पास जो द पर्सन हु गो टू देम फॉर टेकिंग ए लोन इज द पर्सन हु डज नॉट नॉर्मली टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मेरा इसमें सवाल पूछना चाहती हूँ कि NBFC के टाइप्स भी होते हैं, तो किस तरह, किन 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 तरह के होते हैं? कुछ NBFCs हैं वो कंज्यूमर लोन्स यानी कंज्यूमर्स के लिए काम करते हैं, जैसे फुलट्रॉन है, वो कंज्यूमर्स के लिए काम करती है, यानी हमें कंज्यूमर लोन देती है, बाइक लोन देगी, ऑटो लोन देगी एंड पर्सनल लोन देगा, इस तरह हाउसिंग लोन। कुछ है केवल हाउसिंग लोन देते हैं, जैसे DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस का नाम आप ले सकते हैं। कुछ ऐसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देती हैं लोन, जैसे आप ILFS। अब अभी जो क्राइसिस ये बाहर आई है वो ILFS के कारण आई है। इन्वेस्टमेंट लीजिंग जो कंपनी है, बेसिकली उसका काम था कि कॉरपोरेट जो है उनको लॉन्ग टर्म के लिए जो इक्विपमेंट है लीज पे दें, फाइनेंशियल लीज पे, और उससे वो पैसा कमाएं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ गई कि इसमें जो उनका लायबिलिटी और एसेट स्ट्रक्चर है वो मिसमैच है जी। उसके कारण प्रॉब्लम आई। जैसे कि इन दिनों हेडलाइन पे भी ये खबर बहुत देखी जा रही है कि NBFC संकट के दौर से गुजर रहा है, तो ये क्या क्राइसिस है? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि NBFC लोन ऐसे लोगों को देते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी कंपेरेटिवली कम है और सरकार उनके ऊपर कम रेगुलेशंस लागू कर पाती है, क्योंकि वो RBI से डायरेक्टली गवर्न नहीं होते हैं। So that is why they are able to give a loan to those persons who have subprime credibility. पहला तो ये उनका operational side का problem है। दूसरा problem जो उनका है वो problem है उनका asset and liability mismatch। देखिए, हम और आप जब bank में पैसा जमा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम bank, मेरी वो asset है, हमने mutual fund खरीदा तो ये मेरी assets हैं। लेकिन जब bank वो पैसा, मेरा पैसा जब
किसी और को उधार देता है तो वो बैंक के लिए एसेट है। मान लीजिए बैंक ने आपको पैसा उधार दिया तो वो बैंक के लिए एसेट है। अब बैंक ने या फाइनेंशियल लाइक DHFL ने आपको 15 साल के लिए लोन दिया, हाउसिंग लोन, यू विल बी पेइंग आफ्टर 5 ईयर्स ओनली इन द इंस्टॉलमेंट, लेकिन उस लोन की मैच्योरिटी को पेमेंट करने के लिए या इन बिटवीन जो ड्यूज पेमेंट होंगे DHFL या दूसरी फाइनेंशियल कंपनी जो NBFCs होती उसके लिए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशंस के बॉन्ड्स इशू कर देती हैं, कमर्शियल पेपर इशू कर देती हैं। मान लीजिए 3 साल बाद कोई कमर्शियल पेपर इशू करना है, उसका पेमेंट ड्यू है, अभी जैसे DHFL ने डिफॉल्ट किया था तो उसको बॉन्ड का पेमेंट करना है, फॉर दैट पर्पस दे कैनॉट कॉल बैक दी हाउसिंग लोन कि आप नाउ यू नीड टू पे मी अर्लियर क्योंकि मुझे पैसे देने हैं। तो इसलिए उनका एसेट का जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन जो उन्हें लोन पेमेंट करना है वो शॉर्ट टर्म है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एसेट एंड लाइबिलिटी मिसमैनेजमेंट। अगर मुझे लॉन्ग टर्म लोन लेना है, लॉन्ग टर्म ही पेमेंट करना, नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन मुझे जो मैंने लोन दिया वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैं जो लोन ले रहा हूँ, जो डिपॉजिट ले रहा हूँ, दैट इज़ शॉर्ट टर्म। सो दैट इज़ एसेट लाइबिलिटी मिसमैनेजमेंट। जैसे कि सर ये जो संकट है इसको रिजॉल्व करने का कोई तरीका आपके हिसाब से? देखिए आप फाइनेंस में एक कंसेप्ट याद रखिए, फाइनेंस इज इफ इट नीड टू बी सक्सेसफुल इट हैज़ टू बी रन ऑन टू प्रिंसिपल्स, फर्स्ट देयर मस्ट बी डिसिप्लिन एंड सेकेंड एथिक्स। इफ द पर्सन्स डीलिंग विद दैट आर एथिक्स आर वेरी स्ट्रांग एंड देन देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, डिसिप्लिन शुड बी स्ट्रांग। बट द प्रॉब्लम nowadays being thing, in order to maximize the profit, what these companies are doing, they are adopting many unethical practices. I give you an example of, I will not name the NBFC. One NBFC has raised the interest rate of housing loan of the existing customer from 10 to 12%. Now 2% is hike. Now there are some customer who does not see the interest rate, etc. But if, say for example, a person aware like you may go and see the balance, why the interest rate is going up. So you went to the bank, this NBFC, and you say ki, why you have increased the interest rate. So they will say ki, theek hai, you can transfer this money to some other branch, some other bank. Now you move to SBI or some other bank, ki, sorry sir, I have taken a loan from this ex NBFC, now I want to pay it back and I want to refinance it from you. Now this NBFC will get early finance from the that so-called bank like SBI or HDFC, etc. So you are ending up paying the processing fees and other charges at two places. And this NBFC has got the money before due date. So their liquidity can be matched. So, and you are also giving a loan to those persons whose credibility is down because you want to increase your profit margins. So ultimately, if you're giving a loan to a person who is not able to pay it, then what will happen? You will not be able to get your money back. This is what is happening in has happened in ILFS. This is what is happening in almost all the NBFCs in India. जैसे कि सर इस दौर में जो NBFC का संकट है उस दौर में बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज भी इसकी चपेट में आई हैं, तो सर उदाहरण देते हुए कि कौन से ऐसी बड़ी कंपनीज जो ऊपर तक गई फिर वापस नीचे आ गई और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यू हैव एन एग्जांपल ऑफ DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस। वन टाइम इट वॉज अ डार्लिंग ऑफ ऑल द स्टॉक मार्केट, एवरी इन्वेस्टर, एवरी एक्सपर्ट्स यूज टू से बाय द DHFL, बाय द DHFL, बट ड्यू टू द एसेट लायबिलिटी मिसमैच they have come down to the level where it is as of now in double digit the share prices. Similarly, their operating profit margins has gone down. You have ILFS, one time that was A grade company, today their bonds are in junk category. Why? Because of the ethics, because of the discipline in the company. So that is what is the bigger problem in case of NBFC. And I also like to inform to your viewers that NBFC crisis in India is so much big that it may trigger another Lehman crisis, because these NBFCs are something like shadow banks. Those are doing everything what the bank is doing but not regulated as a bank, so they are creating a bubble in the economy and this bubble may burst any day. Lehman Brothers was the initiation in the US and then that has catch hold of all. In India, it can be the ILFS, it can be DHFL, or it can be some other. Now, I also want to give information to you. When I say these few companies, it does not mean that all NBFCs are falling in that category.
लाइक पंजाब हाउसिंग एट्सेट्रा, दे सम आर वेरी गुड. सो वेयर द डिसिप्लिन इज वेरी गुड, फाइनेंशियल इथिक्स आर वेरी गुड, दे विल बी डूइंग रियली ग्रेट. And the company will see over the 2-3 years period time, they will be manifold. But on the contrary, smaller companies and the companies who are doing these ill practices, they will be banished. That is what you need to take. Sir, मेरा ये आखिरी सवाल है कि NBFC को लेकर के सरकार क्या कर रही है, और अगर अगर वो नहीं कर रही है कुछ ऐसा तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ द गवर्नमेंट को नहीं पता. गवर्नमेंट इज़ वेल अवेयर, फाइनेंस मिनिस्टर इज़ वेल अवेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इसके लिए एक अलग से सेल है इस चीज़ को देखने के लिए. लेकिन इसमें गवर्नमेंट को काफ़ और ज़्यादा रूल्स बनाने पड़ेंगे. गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं. अभी ये केवल और केवल कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होते हैं. इनको RBI के कंट्रोल में लाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो इल प्रैक्टिसेस हैं दिस कंपनीज में दैट कैन बी स्टॉप्ड एंड द कस्टमर प्रोटेक्शन कैन बी डन. And once the customer protection is done, automatically there will be more and more. You will find that growth in this, discipline will come. So the ill practice will go away. And it is a duty of government to improve this sector. If they are not improving this sector, it will be a bigger crisis and which will be difficult to manage it. In 2005, our ex-RBI governor, Mr. Raghuram Rajan, has written a paper on this. And in that he mentioned that this shadow banking will be a bigger crisis. So we can think on that. The government has to think on that. RBI is already worried on this. They wants to bring these companies into their role. Now the government has to step forward and make a law in order to bring these NBFCs into the banking sector regulations so that these ill practices can be removed. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी. नहीं, थैंक यू वेरी मच रियाद, यू हैव रेज्ड अ पर्टिनेंट क्वेश्चन. जैसे कि हमने अनुराग सर से जाना, वैसे इन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. शायद पूरा टाइम लग जाए इनके साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन हमारे पास समय की कमी है. हम फिर से फाइनेंस से जुड़े सेक्टर से हम बात करेंगे एक अलग मुद्दे के साथ, और हम आपको इसी से जुड़े जानकारी भी देंगे. जैसे कि हमने सर से जाना फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी NBFC के बारे में कि किस दौर से NBFC आज गुजर रहा है और सरकार को इसको लेकर के क्या कदम उठाने चाहिए. और सर ने जिस तरीके से बताया कि NBFC में एथिकल जो प्रॉब्लम हो रही है, एथिक्स को नहीं फॉलो किया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा कारण है संकट के दौर से गुजरने का. तो वैसे सर को बहुत इन्फॉर्मेशन है. हम सर से फिर से जुड़ेंगे आगे एक नए अलग मुद्दे के साथ, और मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी. देखते रहिए द पॉलिसी टाइम्स.